गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से, क्योंकि बारिश देखो तुम, इतनी ज़्यादा बारिश आ रही ना, मतलब रात को तो पता नहीं आई नहीं आई, बट जब से मैं उठी तब से बारिश ही है, तो बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। जब 9 बजे उठी तब आई थी, 7 बजे उठ गई थी मैं, कितने गंदे मैं जल्दी उठ गई थी। आए पापा मुझे ऐसे ही सुनाते रहते हैं, अब क्या बोलूं, मैं भूल गई। बैड लक से लगे हैं सब स्कूल को, उनके स्कूल को जाते हम तो इतनी ज़्यादा बारिश आई थी ना, अभी तो फिर भी कम हो गई है, बस सही है, ठंडा ठंडा मौसम अच्छा हो रहा है। अभी लाइट आ गई, अभी टीवी में बैठ गए अंदर, अभी लाइट नहीं थी, फ़ोन पकड़ के बाहर पर घूम रहे थे, देख रहे हो, मैं तो बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, बस देखो गाइस, ये बंधारे का पानी है, ऐसे यूज होता है, खाली मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए ना पानी। देखो कितना साफ है एकदम, मतलब बाहर बाहर जाने के काम का आ जाएगा। और भाई साहब, बारिश कम हो गई है वैसे, अभी ठीक है, नाइस मौसम, मुझे तो बहुत पसंद है ये ठंडा ठंडा मौसम। तो वैसे लगी बारिश ना, अभी रुक रही है 11:30 बजे, और जैसी बारिश रुक गया, मैं मम्मी पापा ने मेरे को काम दे दिया, भात रख के आ गई मैं, और ये गेहूँ सुधारने, वो जो धोए वाले की वो हमने धूप में डाली थी ना, वो अच्छी तरह से सूखे नहीं है, और हमारे उसमें आटा कम है, तो इसलिए इनको सुधार रहे हैं, इनको पीसेंगे अभी। और वो देखो, रुको, ये बांदर बैठी है, ये वो तोड़ने में क्या कहते हैं, पुदीना, क्योंकि चटनी बनने वाली है हमारी। भाई ये भिखारी है अपनी जैसी लेके आई, दिखा तो, इतना पुदीना, हाँ कहे तोड़ दिया तूने, कहे लग गए तेरे हाथ, इन दो हाथ, इन दो उंगलियों से ऐसे सब गिरा, उठा आए गेहूँ सुधारने में, उसके आगे सुधारने आ जाना। इनकी जल्दी छुट्टी हो गई क्योंकि इनका टेस्ट था। मैं बताऊँ, गेहूँ ऐसे होते हैं, ये गोल मोटे मोटे से, लंबे लंबे से, ठीक है, देखा अब पता चला गेहूँ कैसे होते हैं। सो गए दिन होते होते ना धूप आ गई, मतलब सुबह कैसी बारिश जैसी आ गई ना, और अभी देखो तुम्हें लग ही नहीं रहा कि बारिश आई है। चलो जो मौसम थोड़ा क्या बोलते हैं, धुआं या धूल वूल जैसा आ रहा था, वो सब साफ हो गया है, तो अभी हमारा लंच भी बन चुका है, और छोटा सा रायता है, और ये चटनी जो कि बहन ने बना रखी है, पुदीने और आलू बुखारों की चटनी है, जो मैंने तुम्हें पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था जब हम पूजा में गए थे। तो अभी अब लंच करते हैं, और आज पानी आने वाला है। कहाँ जाके मरूँ मैं, 15-15 लीटर के जार साल में, अभी हाथ भयंकर ऐसे हो गए हैं, ये वाला हिस्सा ही तब ठोस हो गया ना मेरे, जो 5 लीटर के जार भी नहीं उठाते थे, वो अब 15 लीटर के जार उठाते हैं, दुख दर्द पीड़ा है गाइस। गाइस आज काफ़ी टाइम बाद मैं वो खा रही हूँ पपीता, और ये वाला पपीता ना नानी लेके आई थी, बट खाना अच्छा नहीं हो रहा है, ये थोड़ा ना पनैन पनैन सा हो रहा है। 500 रुपये फर्स्ट चैन, देख रहे हो ये पैसों के लिए, ये फर्स्ट चैन में गंवारो, डॉलर डॉलर निकालना डॉलर, ये मेरे दिस इज हल्क, इसमें ऐसी चीजें रहती हैं, ये गाइस तुम ये खाओ, बट पनैन हो रहा है यार, ये वाला पनैन हो रहा है, और ये वाओ, मैं इतना ही यूज करती हूँ गाइस, और एक बड़ा वाला क्लेचर, वो तुमने देखा ही होगा, ले जाती है कॉलेज, ये कहाँ से लाई, पता नहीं किसी का है यार ये अंगूठी, मैं कहाँ से लेके आऊँ, किसी की है यार ये, पता नहीं किसी ने दी, भूल गया था, मुझे याद ही नहीं है किसकी है, दीदी के पैर के अंगूठे में भी नहीं जाएगा नहीं जाएगा यार, यहाँ अंगुलियों के लिए कोई अंगूठी नहीं बनी रहती है, पता है तुम्हें, एक भी अंगूठी मेरी अंगुलियाँ फिट नहीं आती है, एक सिल्वर वाली नहीं है जो मैंने रोहित से चोरी करी है, वो थोड़ी इसमें आती है कभी कभी, बस 5 लाला 9 10 है गंवार, क्यों है ये अच्छे से देख, अरे वहाँ आऊंगे, देख 2-4 देखो, जो कल हमने खुमानी खाया था ना, ये उसकी गुठली है, इसकी गुठली के अंदर का भी खाते हैं, दिखाऊं मैं तुम्हें, ये देखो ये ना बादाम जैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, उजू चढ़ गया, अब इसको खाते हैं, देख रहे हो आजकल ये बाजारों में क्या क्या चीज आ रहा है, इसको बोलते हैं अगरबत्ती, खाऊं इसको अब, क्या है भाई, लोग अगरबत्ती को जलाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बाजार में खाने वाली अगरबत्ती आ रही है, आ गई नीटू ढड़ू के पोलो भाई, हमारे घर में बुकड़ी बुकड़ भरे हैं, मतलब वो तो अच्छा रहा है, तुम 1 रुपए का एक ही आता है गाय, ये खा लो,
बाय यार मैं गंदे करके खाती हूँ। एक ही पकड़ना, ये वाला पकड़ो पकड़ो, वो वाला पकड़ो, जल्दी पकड़ो, कोई ये वाला, इन दोनों में से एक पकड़ो। क्या ये? खाओ अब इसको। हाँ खाओ इसको, मम्मी का रिएक्शन देख रहे हो तुम, ये खाओ। क्या है मतलब ये अगरबत्ती, ये ऐसे करके खाओ यार, इमली है इसका नाम। मम्मी को ऐसे करना पड़ता है, ये खाना भी नहीं आता है इनको। ये ये कौन सा खाना होता है जैसे मम्मी का रिएक्शन तो तू आ गई, तू मेरे से क्यों नहीं कहा तूने? क्या बोला, क्या बोला? अरे मम्मी मम्मी क्या है इसको ऐसे खड़ा कर, मेरी मम्मी गवार पढ़े लिखे गवार दे पुराने जमाने की दरवाज है ये। मेरा कहने का मतलब है, मतलब पैकिंग है या खाली ऐसे खड़े, खाली डब्बे में ऐसे करके रखते हैं इसको, गंदगी नहीं हुई फिर ये खुला खाते हैं अभी। उसमें रखा है बोतल में, मम्मी आप धोके खा लो। इसमें मक्खी भी बैठती है डब्बे के अंदर, जैसे टॉफियां होती है वैसे होता है, बोतल के अंदर मक्खी चली जाती है गंदगी। मैं मम्मी को धंधा समझाना, धो होता है ऐसा, थोड़ी गंदगी होती है, पर उसके बाद भी ऐसा किए जा रहे। मेरी मम्मी को धमकाना बहुत आसान होता है, क्योंकि मैं रोज धमकाती हूं। भाई मम्मी थोड़ी सी बैनी की जीभ बहुत अच्छी है, बैनी की जीभ अभी तक ये मम्मी ने नहीं खा सका है, जीभ देखो इनकी, ऐसा करो ऐ है ऐ करो करो तो नहीं मार दूंगी। काली का मैया फेल है ये, देखो ये बैनी की जीभ देख, ये देखो ये तुम ये खाओ अब, ये सड़े हुए सालू, सालू का टाइम चले गया इजा अब। हां देखो वो, क्या इस वाले कैमरे में देख, वाले साले उसमें देख, पीछे देख कितना मस्त आ रहे हैं। मैं मस्त आ रही हूँ, हम अच्छे आ रहे हैं ना, हट तो अच्छा आ रहे वहाँ के खेत, हट तो काजल आ रही, हाँ काजल अब तू देख रहा कितनी मस्त आ रही हूँ। वाह मैं नहीं आ रही गाइज, मैंने बुलेट ले ली है, कांग्रेचुलेशन मिठाई, हाँ कांग्रेचुलेशन बोलो मेरे को, तालियां बजाओ मेरे। तू बजा, तू मोटी नहीं बजाएगी, तेरे हाथ खोली जाएंगे। गाइज तो मैं क्या बोल रही थी, मैंने बुलेट ले ली है, तो आज से मैं बुलेट में काजल और मैं मेरे पीछे बैठ के इनको मैं मुसगांव लेके जाऊंगी, जहाँ रोड नहीं है वहाँ तुम लेके जाओगे बुलेट। क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता ना, अच्छा इसलिए मैं वही चला सकती हूँ, रोड पे मैं, रोड पे नहीं आता गाइज मुझे चलाना, मैं वहाँ चला सकती हूँ। किसी और की है जिसने देख दी ना ये, देख लो लालच, एक वो रही वो, एक वो रही वो, एक ये रही है, लकड़ियों का लालच देखो गाइस, लकड़ियों का मैं लकड़ियों का नहीं गेहूं का भात खा सा। अरे मेरा कहने का मतलब है कि मैं चावल का भात खाती हूँ, गेहूं का, गेहूं की रोटी खाती हूँ। ये लोग देखो तो इतना दूर चले गए हैं, ये दिख रहे हैं, एक ही है, एक और ही हो, ये मारो। ओ दीदी जल्दी आ, ये बताए मैं वो आसे के लिए आई, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं बेचारा गाइस वो से चुका है, आका शेप चेंज हो गया, सूखा नहीं रहा, सूखा नहीं, मिट्टी डाल रखी है। हम ना इतने दूर आ गए घूमते, मम्मी लोग तो नीचे से ही जाने वाले हॉस्पिटल से, हम वहाँ पे आए वापस से लकड़ियाँ वगैरह पूरी और इधर को आ गए, अब चलते हैं, चल चल। मैंने बोला काजू चलते, बोला काजू से।